हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के इस लेक्चर सीरीज में अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने सपिंड रिलेशनशिप, फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूटरिन ब्लड, इन सभी टर्म्स को डिटेल में कवर कर लिया है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के बारे में, एंड दिस इज लास्ट वीडियो ऑन हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हमने अपने अब तक के वीडियोस में हिंदू मैरिज एक्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उन सभी सेक्शंस को डिटेल में बेयर एक्ट के थ्रू पढ़ा है, और इस वीडियो में हम अपने लास्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, विच इज डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। सेक्शन 3 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, विच इज बेसिकली अ डेफिनेशन क्लॉज, इस डेफिनेशन क्लॉज में सर्टेन टर्म्स को डिफाइन किया गया है जो कि इम्पॉर्टेंट है जब हम हिंदू मैरिज एक्ट को पढ़ते हैं तब, जैसे सपिंड रिलेशनशिप, फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूटरिन ब्लड और डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, राइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। This degrees of prohibited relationship has been defined under section 3 clause G of Hindu Marriage Act. जब हमने section 5 of Hindu Marriage Act को cover किया, जिसमें basically हमने बात किया था conditions of Hindu marriages के बारे में, जिसमें हमने 5 conditions देखा था। उन 5 conditions में एक condition ये भी था कि जो पार्टीज टू दी मैरिज है, यानी हस्बैंड एंड वाइफ जिनके बीच विवाह संपन्न हो रहा है, वो डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में ना आते हो। अगर वो डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं और फिर भी उनके बीच विवाह संपन्न होता है, तो ये विवाह पूरी तरह से शून्य विवाह है, दैट मैरिज इज कंप्लीटली अ वॉइड मैरिज। लेकिन फिर हमने ये भी जाना कि अगर उन दोनों पार्टीज के कस्टम्स, रिचुअल्स उस मैरिज को वैलिडेट करते हैं, उस मैरिज को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो वो मैरिज अपने आप में एक वैलिड मैरिज होगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि दोनों के रिचुअल्स, दोनों के कस्टम्स उस मैरिज को रिकॉग्नाइज करते हैं। और जब हमने सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट को पढ़ा, विच बेसिकली टॉक्स अबाउट वॉइड मैरिज, तो हमने जाना कि जो वॉइड मैरिज होता है, ये बेसिकली वो मैरिज होता है जो कि सोलेमनाइज्ड हुआ हो इन वॉयलेशन ऑफ सेक्शन 5 क्लॉज 1, क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5। तो वी कैन से इफ अ हिंदू मैरिज इज सोलेमनाइज्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 5 क्लॉज 1, क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5, दैट मैरिज इज इन इटसेल्फ अ वॉइड मैरिज, यानी वो जो मैरिज है वो अपने आप में वॉइड मैरिज है, उसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो मैरिज एग्जिस्ट ही नहीं करता। अच्छा, ये जो 5 क्लॉजेस थे, ये जो 3 क्लॉजेस थे अंडर सेक्शन 5, क्या था कि देयर मस्ट नॉट बी an act of bigamy at the time of solemnization of marriage by either party. Dusra, parties must not falling within degrees of sapinda relationship. Aur kya tha? Ki parties degrees of prohibited relationship mein na aate ho at the time of marriage. So, a marriage which is solemnized in violation of section 5, clause 1, clause 4 and clause 5, that marriage is void marriage. तो यानी जब हमने कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज को पढ़ा, तो वहां हमने सपिंड रिलेशनशिप, डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के बारे में सुना। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है ओवर सपिंडा रिलेशनशिप, ओवर फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूटरिन ब्लड, हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीटली क्लियर हो गया है। और जो लास्ट कॉन्सेप्ट है डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में, उसे हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं।
राइट। तो सेक्शन थ्री क्लॉज जी ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट डिफाइन्स डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप इन दीज वर्ड्स। क्या कहता है? तो सेक्शन थ्री क्लॉज जी ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट डिफाइन्स डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप इन दीज वर्ड्स। पहला, इफ वन इज लीनियल एसेंडेंट ऑफ अदर, इफ वन इज लीनियल एसेंडेंट ऑफ अदर, here the word one means if either party to the marriage, either party to the marriage, yani jin do persons ke beech marriage is going to be solemnized, unme se koi ek if lineal ascendant of other, dusre ka kya hai, lineal ascendant hai, to ye dono डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में फॉल करेंगे और इनके बीच जो मैरिज है वो कंप्लीटली वॉइड मैरिज है। जैसे एग्जाम्पल, इफ सी इज गर्ल, तो इसके लीनियल एसेंडेंट कौन है? हर फादर, राइट। तो यहां पे जो गर्ल है, सी इज लीनियल एसेंडेंट ऑफ हर फादर, तो डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप ये कहता है कि दिस गर्ल कैन नॉट मैरी हर फादर, क्योंकि ये दोनों क्या है, डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं और ये जो गर्ल है वो बेसिकली इस पर्टिकुलर पर्सन की लीनियल एसेंडेंट है। दूसरा एग्जाम्पल, इफ देयर इज बॉय, तो इस बॉय का जो लीनियल एसेंडेंट है वो इसकी मदर है, तो दिस बॉय कैन नॉट मैरी हिज मदर। तो इफ वन इज लीनियल एसेंडेंट ऑफ अदर, मैरिज मस्ट नॉट बी सोलेमनाइज्ड बिटवीन दीज टू बिकॉज दे आर फॉलिंग अंडर डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। ठीक है, अब जहां हम सपिंडा रिलेशनशिप में अप टू थर्ड जनरेशन काउंट करते थे इन द लाइन ऑफ एसेंट थ्रू मदर, और अप टू फिफ्थ जनरेशन काउंट करते थे इन द लाइन ऑफ एसेंट थ्रू फादर, डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में ऐसा कोई लिमिट नहीं है। दूसरा क्या है, इफ वन वॉज वाइफ और हस्बैंड ऑफ लीनियल एसेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ अदर, इफ वन वॉज वाइफ और हस्बैंड ऑफ लीनियल एसेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ अदर, फॉर एग्जाम्पल, यदि एक्स कोई पर्सन है तो क्या कह रहा है, इफ वन यानी दिस एक्स, हम इस पर्सन को एक्स कंसिडर कर रहे हैं, तो कह रहे हैं इफ वन वॉज वाइफ और हस्बैंड ऑफ लीनियल एसेंडेंट ऑफ अदर। पहले हम एक सेंटेंस समझते हैं, वन वॉज वाइफ और हस्बैंड ऑफ लीनियल एसेंडेंट ऑफ अदर, तो एक्स का लीनियल एसेंडेंट वाई इज का फादर, तो वन वॉज वाइफ ऑफ लीनियल एसेंडेंट ऑफ अदर, अब वाई की वाइफ सपोज जी, तो एक्स क्या है, लीनियल एसेंडेंट है किसका, वाई का, और वाई की वाइफ कौन है, जेड है, यानी हिज मदर, तो ये एक्स कैन नॉट मैरी जेड। ठीक है, अब सेम मैनर में अगर ये वाई एक पर्सन है तो इसका लीनियल एसेंडेंट कौन है, डब्ल्यू है, और एस सपोज करो डब्ल्यू इज वाइफ है, तो वाई कैन नॉट मैरी एस बिकॉज वाई इज लीनियल एसेंडेंट ऑफ डब्ल्यू,
एंड एस इज वाइफ ऑफ डब्ल्यू तो यानी ये एक्स कैन नॉट मैरी हिज मदर जेड बिकॉज एक्स इज लीनियल एसेंडेंट ऑफ हिज फादर वाइफ एंड जेड इज वाइफ ऑफ वाइफ. अब कह रहा है इफ वन वॉज वाइफ और हस्बैंड ऑफ लीनियल एसेंडेंट ऑफ अदर, इसे हमने पढ़ लिया, इसका वाइस वर्सा कर. अब इफ वन वॉज वाइफ और हस्बैंड ऑफ लीनियल डिसेंडेंट ऑफ अदर, तो एक्स के लीनियल डिसेंडेंट कौन है? सपोज ये वाई है एक्स का सन, तो डबल वाई कौन है? वाई की वाइफ है. एक्स का लीनियल डिसेंडेंट कौन है? वाई है. और वाई की वाइफ है डबल वाई, तो एक्स कैन नॉट मैरी डबल वाई बिकॉज डबल वाई इज वाइफ ऑफ हिज लीनियल डिसेंडेंट वाई. राइट, तो आई थिंक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो रहा होगा. यानी सिंपल वर्ड्स में ये जो एक्स है ये अपने बहू से शादी नहीं कर सकता है और अपने पोते के पत्नी से भी शादी नहीं कर सकता है. राइट, आगे बढ़ते हैं. तीसरा, इफ वन वॉज वाइफ ऑफ ब्रदर, वन वॉज वाइफ ऑफ ब्रदर और ऑफ फादर्स और ऑफ फादर्स ब्रदर और ऑफ मदर्स ब्रदर्स वाइफ. राइट, इफ वन वॉज वाइफ ऑफ ब्रदर, तो आप अपने ब्रदर के वाइफ से यू कैनॉट मैरी. हाँ, अगर आपके ब्रदर का डेथ हो जाता है और आपके कस्टम, आपके रिचुअल्स, आप दोनों के कस्टम, दोनों के रिचुअल्स इस शादी को रिकग्नाइज करते हैं, तो आप डेफिनेटली यू कैन गो फॉर मैरिज. तो जो बेसिक बात है वो ये है कि यू कैनॉट मैरी वाइफ ऑफ योर ब्रदर. दूसरा, वाइफ ऑफ योर फादर्स ब्रदर, यानी आप अपनी चाची से भी शादी नहीं कर सकते. यू कैनॉट मैरी वाइफ ऑफ योर मदर्स ब्रदर, यानी आप अपने मामी से भी शादी नहीं कर सकते. राइट, तो यानी यहाँ पे बेसिकली तीन लोगों के बारे में बात किया गया है, विच इज भाभी, मामी एंड चाची. ठीक, अब अगर हम और डिटेल में जाएं तो यहां कहता है कि सर्टेन ब्रदर्स रिलेशंस में जो वाइफ्स आती हैं वो भी डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आती हैं. जैसे वाइफ ऑफ ब्रदर, भाभी, हमने समझ लिया. तो यानी भाभी देवर के बीच जो रिश्ता है वो डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का रिश्ता है एंड दे कैनॉट मैरी ईच अदर. वाइफ ऑफ फादर्स ब्रदर, यानी चाची, वाइफ ऑफ मदर्स ब्रदर यानी मामी, फिर वाइफ ऑफ फादर्स फादर्स ब्रदर, फादर्स फादर यानी आपके दादा, उनके ब्रदर यानी फिर से आपके दादा, उनकी वाइफ यानी आपकी दादी, उनसे भी आप शादी नहीं कर सकते. फिर वाइफ ऑफ मदर्स फादर्स ब्रदर, मदर्स फादर यानी आपके नाना, उनके ब्रदर यानी फिर से आपके नाना, उनकी वाइफ यानी नानी. तो ये भी क्या है? डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है. फिर वाइफ ऑफ फादर्स मदर्स, फादर्स मदर यानी आपकी दादी, उनके ब्रदर यानी आपके बाबा, उनकी वाइफ अगेन आपकी दादी. तो ये भी डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है. फिर कहता है वाइफ ऑफ मदर्स मदर्स, मदर्स मदर यानी नानी, उनके ब्रदर यानी नाना, उनकी वाइफ यानी नानी. तो ये सभी क्या है? ये है वाइफ ऑफ सर्टेन ब्रदर्स रिलेशंस जो कि डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं. अब लास्ट कहता है कि सर्टेन क्लोज रिलेशनशिप आर ऑल्सो विद इन डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप. जिसमें है ब्रदर एंड सिस्टर, दे कैन नॉट मैरी ईच अदर. मिस एंड अंकल, जिसमें मामा भांजी, चाचा भतीजी. राइट, ब्रदर एंड सिस्टर के चिल्ड्रंस, दे कैन नॉट मैरी ईच अदर.
चिल्ड्रन ऑफ टू ब्रदर्स दे कैनॉट मैरी ईच अदर एंड चिल्ड्रन ऑफ टू सिस्टर्स दे ऑल्सो कैनॉट मैरी ईच अदर. अब कहता है कि फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 3G एंड F रिलेशनशिप इनक्लूड्स, तो जब हम डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप और सपेंड रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ जो रिलेशनशिप के बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे ब्लड रिलेशनशिप एंड एडॉप्शन दोनों आएगा. ब्लड रिलेशनशिप में हम फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूटेरिन ब्लड, इन तीनों को काउंट करेंगे, इन तीनों को इंक्लूड करेंगे. और ब्लड रिलेशनशिप में हम लेजिटिमेट एज वेल एज इललेजिटिमेट, इन दोनों को कंसिडर करेंगे. तो दिस इज लास्ट वीडियो ऑन हिंदू मैरिज एक्ट विच इज डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, जिसे मैंने अपने पूरे एफर्ट्स के साथ आपको ईजिएस्ट मैनर में समझाने की कोशिश करी. अगर आपका एग्ज़ाम आता है और एग्ज़ाम से पहले आप मेरे इन सभी वीडियोस को देख करके जाते हो, तो आई एम श्योर कि एग्ज़ाम में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसे आप अटेम्प्ट ना कर पाओ या जिसका आंसर आपके पास ना हो. ऑल्सो जब आप वाइवा में बैठते हो तो जो भी टीचर्स पूछेंगे वो इन्हीं सेक्शंस में से पूछेंगे, और आप उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स दे लोगे अगर आप मेरे वीडियोस को प्रॉपरली फॉलो करते हो और नोट्स बनाते हुए चलते हो. अब मेरी कोशिश ये रहेगी कि एक वीडियो में, एक वन शॉट वीडियो में मैं कंप्लीट हिंदू मैरिज एक्ट को पढ़ा दूं, ताकि हमारा एक क्विक रिवीजन हो सके. तो जैसे ही मौका मिलता है और परिस्थितियां बनती हैं, तो आपके बीच ज़रूर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को लेकर के एक वन शॉट वीडियो मैं डालूंगा. तो अगर ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और अपना प्यार, अपना सपोर्ट ज़रूर इस चैनल को दीजिए, ताकि मैं आपके बीच ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँ. तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी लीड.